Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं फिल्म अमर अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ. क्या हो रहा है मेरा भाई. सो गाइस, द डिसम्बर क्रिसमस क्लैश हैज गॉट रियल अगली राइट नाउ. हम सभी लोगों को पता है कि पहले से डंकी वर्सेस सलार वो पोजीशन पे एक दूसरे से भिड़ने को तैयार है. एक और ओपोनेंट था जो कि इनसे ऑलमोस्ट दो दिन पहले रिलीज हो रहा था. इनफैक्ट उससे पहले भी इसको रिलीज करने की बातें जो की जा रही थी, लेकिन गाइस कल रात को जो अनाउंसमेंट हुई उसने सभी लोगों के होश उड़ा दिए. वे गाइस ये दोनों फिल्में जो है यहाँ पर वो मैजिकल 1000 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पार करने की कोशिश कर रही है. शाहरुख खान इज ऑब्वियसली टारगेटिंग 1000 करोड़ एंड इसमें कोई रॉकेट साइंस लगता नहीं कि जब पठान एंड जवान ने 1000 करोड़ का जो माइलस्टोन है वो अचीव किया है, एंड डंकी हु इज मैसिवली सुप्रीम इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, यानी कि इसका कंटेंट जवान एंड पठान से 100 गुना ज्यादा होगा इवन इन टर्म्स ऑफ स्टोरी, ये फिल्म तो हंसते हंसते 1000 करोड़ जाएगी. इनफैक्ट 1000 करोड़ कितना ऊपर जाएगी एंड क्या जवान का रिकॉर्ड तोड़ेगी इसमें भी आराम से आदमी पैसा लगा सकता है कि यस तोड़ेगी. वहां पर होमबोले फिल्म्स है आफ्टर द ह्यूमंगस सक्सेस ऑफ KGF चैप्टर 2, प्रशांत नील है साथ में, नरेंद्र डार्लिंग प्रभास इन एन कंप्लीट मास अवतार है. वो फिल्म भी पूरे के पूरे कंटेंडर है कि वो आराम से ऑल थैंक्स टू प्रभास ह्यूमंगस फैन फॉलोइंग इन तेलुगु मार्केट्स साउथ से अच्छा खासा पैसा लेकर, इनफैक्ट इवन द हिंदी वर्जन ब्रेकिंग ऑल रिकॉर्ड्स एंड IMAX में भी रिलीज करके आराम से मिनिमम टू मिनिमम 1000 करोड़ कमाएगी. लेकिन अब इनके रास्ते का पत्थर बनने आ गया है एक्वामैन. गाइस एक्वामैन कोई छोटी फिल्म है नहीं है. अगर ये 20 को या 19 या 18 को जैसे कहा जा रहा था कि रिलीज होने वाली है तो ऑब्वियसली इसका इनिशियल डेज जो रहते हैं वहां पर फिल्म जो है सबसे ज्यादा पैसे कमाती है. लेकिन यहाँ पर इसने अपनी जो टक्कर है सीधा सीधा सलार एंड डंकी के साथ कर ली है. एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम इज नाउ रिलीजिंग ऑन द 22nd. ये फिल्म 22 दिसंबर को रिलीज होने वाली है एंड 20 तारीख को नहीं, यानी कि ये क्रिसमस पीरियड जो है जो कि नॉर्थ अमेरिका यानी कि USA एंड कनाडा में एक बहुत ही सॉलिड पीरियड माना जाता है अपनी फिल्में रिलीज करने का, एंड इसीलिए एक्वामैन की जो रिलीज है उसको क्रिसमस के और नजदीक लाया गया, यानी कि क्रिसमस वीकेंड पर लाकर खड़ा कर दिया है ताकि 22, 23, 24, 25 इन 4 दिनों का टिल द न्यू ईयर फिल्म जो है लाभ उठाए. अब इसका यहाँ पर अपनी फिल्मों पे क्या असर होगा, देखिए इस इंडिया में यहाँ पर एक्वामैन का उतना असर होते हुए दिखाई नहीं दे रहा. असर तो होगा ही होगा, देखिए कोई भी फिल्म क्लैश हो वैसे ही डंकी और सलार एक दूसरे के भिड़ने के बाद टंकी को भी फर्क पड़ने वाला है, सलार को भी फर्क पड़ने वाला है. उनके अच्छे खासे शोज जो जाने वाले हैं, शोज का बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है. लेकिन एक्वामैन जब 2018 में आई थी तब उसने भी इंडिया में 55 करोड़ का नेट का बिजनेस किया था एंड अब तो उनकी फैन फॉलोइंग और बढ़ गई है एंड दिस फिल्म इज एक्सपेक्टेड टू डू 100 करोड़ का नेट बिजनेस इन इंडिया एक्वामैन. एंड इसी का कारण है यहाँ पर इंडिया में भी इन दोनों फिल्मों को फर्क पड़ेगा. नंबर 1, नंबर 2 नॉर्थ अमेरिका टेरिटरी. अब गाइस शाहरुख खान ने किस तरह से 400 करोड़ की लड़ियां लगा दी है ओवरसीज मार्केट में, समझो क्या बोल रहा हूँ. ठीक है, शाहरुख खान का ओवरसीज बिजनेस अभी फिलहाल 400 करोड़ मिनिमम चल रहा है, चाहे वो पठान हो जवान हो या फिर नॉर्थ अमेरिका, आराम से वो 130-150 करोड़ आराम से अगर टच करते 140-150 करोड़ जा रहा है नॉर्थ अमेरिका में. ये फिल्म जो है डंकी वो राजकुमार हिरानी की एक लॉन्ग इनिंग मूवी है एंड राजकुमार हिरानी शाहरुख खान से पहले ही यहाँ पर चाहे वो PK हो, 3 Idiots हो, अच्छा खासा फैन फॉलोइंग जो है कमांड करते हैं यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में. इसी का कारण है ये फिल्म जो थी डंकी वो एक्सपेक्ट की जा रही थी कि एटलीस्ट 200 करोड़ तो आराम से हंसते हंसते, सिर्फ नॉर्थ अमेरिका बोल रहा हूँ, ओवरसीज पूरा नहीं गिन रहा हूँ, पूरा तो ये फिल्म 500 करोड़ मिनिमम विदाउट चाइना जाने की कोशिश कर रही है. कहा भी जा रहा था कि फिल्म चाइना भी जा सकती है क्योंकि ईरानी की अच्छी खासी फिल्में वहां रिलीज हुई है. अब इसको अफेक्ट करेगा यहाँ पर एक्वामैन का रिलीज डेट. लेकिन एक चीज डंकी के फेवर में जाती है कि डंकी एक्वामैन से एक दिन पहले आ रहा है तो ओपनिंग एक बाप लेवल की लेगा, उसके बाद वो स्क्रीन डिविजन्स में आएगा. लेकिन द मैक्सिमम हिट विल बी फॉर सलार,
सलार यहाँ पे आईमैक्स में रिलीज हो रही है। आप सभी लोगों को पता है आदि पुरुष के साथ क्या हुआ था, आदि पुरुष का पूरा आईमैक्स कट हो गया था क्योंकि वहां पर उस टाइम पे आईमैक्स स्क्रीन नहीं थे क्योंकि फिल्म पोस्टपोन्ड हो गई है। जो प्रीमियर सीट्स है आईमैक्स के यहाँ पे सलार के, वो एक्वामैन के वजह से यहाँ पर नॉर्थ अमेरिकन ओवरसीज मार्केट में जो हिट होने वाले है। डोमेस्टिक अब देखने लायक ये रहेगा कि यहाँ पर सलार की टीम कितना दम रखती है, उनके मेकर्स कितना यू नो स्ट्रांग उनका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, अनिल थड़ानी कितनी स्ट्रांगली अपनी फिल्म को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करता है। आपने देखा किस तरह से टाइगर 3 के सामने मार्वल्स जो है उसको स्क्रीन नहीं मिल रहा है, ऑल थैंक्स टू द मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ YRF। अब देखने लायक ये रहेगा कि सलार जब आ रही है इंडिया में तो क्या एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम अपने आईमैक्स शोज जो है वो सलार के साथ शेयर करता है, जिस तरह टाइगर 3 के साथ हुआ, एक भी शो नहीं दिया है मार्वल्स को, उसी तरह से सलार जब आईमैक्स में आएगी तब एक भी शो जो है यहाँ पर एक्वामैन को मिलेगा नहीं, ये होना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि गाइस मार्वल्स एंड एक्वामैन में बहुत बड़ा एक फर्क है। एक्वामैन की जो फैन फॉलोइंग है जेसन ममुआ की बहुत ज्यादा है, सलार का तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। यहाँ पर राजकुमार हिरानी की फिल्म को इफेक्ट इसीलिए पड़ेगा क्योंकि दे आर एमिंग द स्काइज, वरना नॉर्मली ये फिल्म जो है राजकुमार हिरानी की ये सब की भीड़ में न पड़ते हुए वो आराम से रिलीज हो सकती है एंड उसके बाद वो एक लंबी रेस का घोड़ा है। यूजुअली मास एक्शन फिल्म्स जो है आज की जनरेशन, इन द जनरेशन ऑफ RRR, KGF, द पुष्पाज, यहाँ की जो जनरेशन है वो वेल वर्स्ट है 4 दिन या 3 दिन की बैटिंग से। यहाँ पर राजकुमार हिरानी इज अ टेस्ट मैच प्लेयर, ये जो इनिंग्स खेलते हैं वो एक बहुत लंबी इनिंग्स रहती है आराम से, इट्स द द्रविड स्टाइल ऑफ बॉक्स ऑफिस, जो बॉक्स ऑफिस लंबा जाता है। इससे जो है आज की जनरेशन स्पेशली पोस्ट जियो जनरेशन जो है 2016 की वो वेल वर्स्ट नहीं है, इनकी फिल्में बहुत लंबी जाती है क्योंकि कंटेंट इनका स्ट्रांग रहता है। तो लेट्स सी गाइस ये लंबी इनिंग्स कितना फायदा देती है इस फिल्म को, क्या ये फिल्म लंबी इनिंग्स जाती है या एक्वामैन इन दोनों के कलेक्शन में अच्छा खासा छेद मारता है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में एक्वामैन दोनों के कलेक्शन को नुकसान पहुंचाएगा, डंकी को भी पहुंचाएगा एंड सलार के तो आईमैक्स वर्जन को तोड़ेगा यहाँ पर। एंड जितने स्क्रीन यानी 1949 स्क्रीन प्रॉमिस किए 1979 यहाँ पे सलार के डिस्ट्रीब्यूटर ने, उसमें भी सेंध पहुंचाएगा। तो लेट्स सी गाइस अब क्या होगा। फिलहाल अब ये तीनों फिल्में बोलेगी, हमारा काम यहाँ समाप्त होता है क्योंकि आई थिंक दिस इज द फाइनल क्लैश। इसके बाद पता नहीं कौन सी पिक्चर आएगी क्लैश करने के लिए क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। अब वक्त आ गया है कि मेकर्स जो है वो मैदान में आएंगे एंड अपना अपना कंटेंट रिलीज करेंगे। नवंबर के फर्स्ट वीक से डंकी के प्रमोशंस जो है वो आप सभी लोगों के सामने शुरू होने वाले हैं। सलार के मेकर्स कब शुरू कर रहे हैं इसका कोई फिलहाल आइडिया नहीं है। एक्वामैन के टीवी स्पॉट्स जो है कल रात को ही उन लोगों ने रिलीज कर दिया, उनका टीजर ट्रेलर वगैरह सब कुछ आ चुका है। तो अब अपना कंटेंट रिलीज कीजिए, अपने गाने रिलीज कीजिए, अपना प्रमोशंस कीजिए, जनता को जो फिल्म पसंद आएगी वो देखेगी। अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ कंप्लीट पैसा वसूल फॉर द जनता दिस क्रिसमस। तीनों फिल्में अलग अलग जॉनर की है, डंकी अलग जॉनर की है, सलार अलग जॉनर की है, एक्वामैन अलग जॉनर की है। आप तीनों फिल्में जो एंजॉय कर सकते हो, पृथ्वीराज जो कि यहाँ पर सलार में भी है उन्होंने यहाँ पर कहा है कि इट्स अ बिग क्रिसमस वीकेंड, तो दोनों फिल्में जो है वो को एग्जिस्ट हो सकती है यहाँ पर। तो दोनों फिल्में एंजॉय कीजिए। अब लेट्स सी गाइस कौन सी फिल्म जीतती है कौन सी फिल्म हारती है अलग विषय है, लेट्स नॉट टेक इट एज अ क्लैश, लेट्स टेक इट एज अ विन विन सिचुएशन फॉर आवर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अच्छी खासी दोनों फिल्में जो बॉक्स ऑफिस पे करें। यस, अब देखने लायक ये रहेगा कि इन कठिनाइयों के बावजूद भी अगर शाहरुख खान इस बार डंकी से 1000 करोड़ करते हैं, इट्स एब्सोल्यूट शाहरुख खान सुप्रीमेसी, वी आर लिविंग इन द शाहरुख खान एरा, यानी देखने लायक रहेगा कि विल SRK स्मैश 3000 करोड़ फिल्म्स इन अ सिंगल कैलेंडर ईयर। ओके गाइस, एंड सलार के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है KGF चैप्टर 2 के बाद प्रशांत नील एंड टीम की तरफ से, इवन प्रभास के ऊपर कि वो 1000 करोड़ की फिल्म दे। ओके गाइस, लेट्स सी क्या होता है, इंटरेस्टिंग रहेगा देखने लायक एक क्रिसमस का बैटल। बने रहिए, जो भी अपडेट्स रहेगी चाहे वो सलार की हो या डंकी को, मैं आपको ऑफिशियली जो है वो लाकर देता रहूंगा। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, 21st December डंकी ओवरसीज इंडिया डेट नॉट फाइनलाइज्ड, सलार इंडिया ओवरसीज 22, प्रीमियर्स ऑन 21st 50-50 एंड एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम 22nd December। स्टे कूल मैन।